Gamma, the Gamma, the Bobo Sumia. Thank you very much, everybody. Thank you. Hi. तो सबसे पहले तो आप सबका इस्तकबाल इस बिस्मिल की महफिल में. My name is Bismillah and this is Bismillah ki mehfil happening for you. So are we all ready for the Sufi night, everyone? तो यार ऐसे इतने सारे लोग आए हैं, कमाल शो में एनर्जी गाइस. Are we all ready for the Sufi night, everyone? क्या बात है. तो देखिए महफिल है जो मैक्सिमम मैं गाने करना चाहूंगा इस बाय द लेजेंड उस्ताद नुसरत साहब होंगे. कुछ खूबसूरत गाने पेश कर रहा हूँ. अगला गाना है मेरा पसंदीदा गाना है एंड द सॉन्ग इज कीड़े मुखड़े तो नसरा हंडावा मी तेरे जया होर दिसदा. गौर फरमाए सुनना बड़ा पसंद है. Anyway, क्या बात है, क्या बात है कि किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते. किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते. किसी के बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते. मोहब्बत की बात है तो एक शायरी है कि तेरी मोहब्बत की हिफाजत कुछ इस तरह से की हमने. तेरी मोहब्बत की हिफाजत कुछ इस तरह से की हमने. जब देखा किसी ने प्यार से तो नजरें झुका ली हमने. ओ कीड़े मुखड़े तो नजरा हटा we'll be right back.
थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। तो देखिए पहले थोड़ी सी वाइब सेट कर लूं मैं, उसके बाद अगर पंप अप द टेम्पो फॉर यू। तो अगला गाना मैं पेश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत गाना है बाय वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट कैलाश खेर साहब। तो मुझे पता है सबको इस गाने के लिरिक्स आते होंगे, जिसका हुक लाइन है, जो कोरस लाइन है, वो आप सबको मेरे साथ गाना है। द सॉन्ग इज तेरी दीवानी बाय कैलाश खेर, लेट्स हियर इट आउट।
लगाए और मुझ में ही खो जाए, तू आए गले लगाए और मुझ में ही खो जाए, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तू मेरा हो जाए। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं पतवारी, बल बल जा को आगे बढ़ा रहा हूं मैं।
जो अगला गाना है ये मेरा पसंदीदा गाना है, आई एम नॉट श्योर ये गाना सबने सुना होगा, बट जिन्होंने नहीं सुना है वो ज्यादा ध्यान से गौर से सुने क्योंकि बहुत खूबसूरत गाना है। एंड द सॉन्ग इज सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। लेट्स हियर इट आउट एवरीवन। मैं खुद भी करता हूं, मतलब इंसान का क्या है, सुबह उठता है अपना आराम छोड़कर कि मेहनत करे, काम करे ताकि आगे की जिंदगी बेहतर हो सके। तो उस पे एक शायरी है कि क्या क्या करना पड़ता है जिंदगी में कुछ पाने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कि इंसान आराम छोड़कर निकलता है आराम कमाने के लिए। गलती हमारी थी कि हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, गलती हमारी थी कि हम उनसे ज्यादा लगे, जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे। Thank you.
Thank you. Thank you.